बैठक और रोडवेज बसों में मुफ्त सफर को लेकर हो सकता है एक बड़ा फैसला। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी देहरादून से, जहां पर आज कैबिनेट की बैठक होगी। आपको बता दें कि सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास पर कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक में कई फैसलों पर भी चर्चा हो सकती है। और सबसे बड़ी बात जो ये है वो रोडवेज बसों के लिए है, रोडवेज बसों में फ्री हो सकता है फैसला। और इस पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता देहरादून से पवन दीक्षित हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, जिस प्रकार से आज सीएम आवास पर आज बैठक होगी और रोडवेज बसों में सफर फ्री होने की जो खबर आ रही है, क्या कुछ इस पर और जानकारी आपको मिल पा रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर 4 बजे बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में कई अहम फैसलों पर आज निर्णय लिया जा सकता है। इस बैठक में उसके अति मोहर लग सकती है। वही माना जा रहा है कि जिस तरह से आपने बताया भी है कि परिवहन निगम की जो बसें हैं उन बसों को लेकर के बड़ा फैसला भी आ सकता है। तो कोई करके अगर देखा जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद में ये दूसरी बैठक है और काफी अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। पवन, अगर रोडवेज बसों की अगर बात की जाए तो उसमें सफर जो है वो फ्री की बात हो रही है, लेकिन अगर सफर फ्री होगा तो कहीं ना कहीं जो राजस्व है उसमें कहीं ना कमी देखी जा सकती है। अगर इस फैसले में मोहर लगती है तो परिवहन विभाग की तरफ से क्या कुछ अभी बात आ रही सामने? बिल्कुल, क्योंकि परिवहन निगम लगातार इस बात को हमेशा उठाता रहा है, क्योंकि जो परिवहन निगम है वो भी काफी घाटे में चल रहा है। घाटे की वजह मुख्य रूप से जो परिवहन निगम के जो संगठन है, जो कर्मचारियों के संगठन है, उनका कहना है कि सरकार के द्वारा समय समय पर जिस तरह से जो महत्वाकांक्षी योजना सरकार की चलाई जाती है, चाहे वो मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना के तहत जो बुजुर्ग 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग है उनको फ्री यात्रा हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो प्रतिनिधि हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे वो अन्य महिलाएं हो, तो इन तमाम लोगों के लिए जो फ्री जो बस की जो सेवा है वो दी जा रही है। और इससे इसका जो भुगतान है वो सरकार के द्वारा निगम को करना चाहिए, लेकिन निगम उसको समय समय पर नहीं कर रहा है। इसी कारण करीब 80 लाख रुपए करीब 80 लाख क्या उससे भी ज्यादा करोड़ों में जो पैसा है निगम का वो सरकार के ऊपर बकाया है और सरकार उसको अभी भुगतान नहीं करवा पा रही है। रोडवेज बसों में फ्री सफर के अलावा और किन किन प्रस्तावों पर जो मोहर है वो लग सकती है? बिल्कुल, आपको बता दें, चाहे वो आबकारी हो, शिक्षा हो, या फिर जो पर्यटन है, इन तमाम क्षेत्रों से जुड़े हुए, चाहे वो रोजगार स्वरोजगार की ओर जो कदम के लिए जो तमाम सरकार के है जो के लिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं कैबिनेट में इस पर चर्चा हो सकती है और उस पर आज मोहर भी लगाई जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको बताने के लिए। तो उस वक्त बता दें कि देहरादून के आज शाम 4 बजे सीएम हाउस पे आज कैबिनेट बैठक होगी और इस कैबिनेट बैठक में सबसे अहम जो है रोडवेज बसों में मुफ्त सफर करने को लेकर मोहर लग सकती है।